चलें जी, आपको हम मछली ग्वार के साथ सिखाते हैं। मछली बहुत अच्छी बनती है ग्वार के साथ, और गर्मियों के मौसम में सब्जी के साथ खाई जाए तो बहुत अच्छी लगती है। चलें जी, सब्जी बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं मछली ग्वार के साथ। एक छोटी प्याज है और इसमें मैंने हाफ प्याली ऑयल डाल दिया है। अब प्याज सुर्ख हो गए, इसमें अब मैं ये जीरा और सुर्ख मिर्च कुटी हुई दोनों शामिल करूंगी। एक टेबल स्पून लहसुन इसमें से मैं थोड़ा शामिल करूंगी। अब मछली के दो पीस हैं, ये मैंने अच्छी तरह धो के साफ कर लिए हैं। इनको मैं अब उल्टा रखूंगी। दो मिनट पकने देंगे। एक साइड सफेद हो गई है, अब दूसरी साइड थोड़ी पके। अब ये पक गई है, इसको हम बाहर रखेंगे। अब इसमें हम ये लहसुन शामिल करेंगे। लहसुन पक जाए, थोड़ा कच्चापन इसका खत्म हो, उसके बाद हम इसमें ग्वार शामिल करेंगे। ये आधा किलो ग्वार है, मैंने इसको बॉयल करके और इसको साफ कर लिया है। इसकी साइडें वाले जो होती है वो सारे मैंने निकाल दिए। 20-25 मिनट मैंने इसको उबाला था, बॉयल किया था। अब ये लहसुन पक गई है, अब इसमें हम ग्वार शामिल करेंगे। गर्मियों का सीज़न है तो ये ग्वार मछली के साथ बहुत अच्छी बनती है। अब इसमें हम ये नमक और ये मेरे पास सालन मसाला है, ये 1 टीस्पून और हाफ टी स्पून मैं नमक डाल रही हूँ। और नमक मैं चख लूँगी, कम होगा तो फिर मैं उसमें थोड़ा और शामिल कर दूँगी, लेकिन पहले मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि मछली के ऊपर भी मसाला लगाना है हमें। इसको थोड़ा हम मैश कर लें, मसाला भी मिक्स हो जाए। अब मसाला मिक्स हो गया और मैंने मैश भी कर लिया अच्छी तरह। अब हम थोड़ी देर ढकना लगाएंगे और छोड़ देंगे धीमी आंच पर। अब ये मछली जो है ना, इसके ऊपर हम ये 3 मसाले हैं, धनिया और नमक और सुर्ख मिर्च, हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून, 1 टेबल स्पून। ये इमली है और ये मसाला, इसमें मैं इमली का पानी शामिल करूंगी, गूदा पानी नहीं गूदा। ये मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून। अब ये मिक्स हो गया,
अब हम इस पे मछली पे लगाएंगे। मसाला लग गया। अब ये इमली हम ग्वार में शामिल करेंगे। ग्वार में हमने टमाटर नहीं डाला है, वो इमली डाल रहे हैं बस। 3 स्पून खट्टा, कम ज़्यादा अपने हिसाब से। हम खट्टा जो है ना वो ज़्यादा नहीं खाते, कम खाते हैं। अब इसमें हम मिक्स कर लें। हरी मिर्च, अब तकरीबन 10 मिनट हो गए। ये गरम मसाला ऊपर से हमने डाला तो वो ब्लैक दिखाई दे रहा है। अब इसको हम अलग से निकालेंगे। ग्वार को हम और थोड़ा मिक्स करेंगे। अब सालन तैयार हो गया। आज करेंगे बंद। आपको डिश आउट करके हम दिखाते हैं। लीजिए मछली का सालन, सब्जी वाला ग्वार के साथ तैयार है। बहुत मज़े की बनी है। आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।